हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। सो जैसा कि आप टाइटल से देख चुके हैं, टुडे वी विल बी डूइंग अ मेकअप लुक, बट मैं अपना राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड यूज़ करूँगी फॉर द एंटायर मेकअप। इससे पहले भी आई हैव डन टू चैलेंज वीडियोज ऑन माय चैनल एंड यू गाइस सीम टू लव द चैलेंज वीडियोज, सो आई डिसाइडेड टू डू अनदर चैलेंज। अगर आपने वो दो वीडियोज नहीं देखी, आई एम श्योर यू विल लव इट, check them out, I'll link it somewhere here and also I'll link it in the description box below, so do check them out. And if you're watching my videos for the very first time, hi, my name is Soni Mishra. I post beauty and lifestyle content here on YouTube twice a week, so make sure you subscribe to the channel down below and don't forget to hit the notification bell so that you get notified every time I upload a video. And now, without making the intro any longer, let's just dive right into it. ओके, सो अ पॉइंट, मैं अपने दोनों हाथ यूज करूंगी बिकॉज इट इज नॉट अ वन हैंड मेकअप चैलेंज। इट्स जस्ट दैट जो भी चीजें मैं यूजुअली अपने राइट हैंड से करती हूँ, आई विल यूज माई लेफ्ट हैंड फॉर दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज माई मॉइस्चराइजर। मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, आई विल लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन चेक देम आउट। So I don't know मेरे left hand काम करता है कि नहीं। What? Because I don't use it for anything, I guess. But yeah, moisturizer तो I apply with both my hands, so not a big deal. मुझे बहुत time हो गया shoot किए हुए, I haven't shot a video in like 2 weeks, क्योंकि as you all know I was out of town, तो उस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी। और फिर जब मैं वापस आई तो बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक, माई थ्रोट गॉट सोर। बट अभी एक हफ्ते के बाद आई गॉट माई वॉइस बैक फाइनली। मैंने सोचा चलो फटाफट शूट कर लिया जाए इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम आए। तो अब मैंने अपना फेस प्रॉपरली मॉइस्चराइज कर लिया है। बिफोर बिगिनिंग आई विल ऑल्सो प्रेप माई लिप्स। ओके, सो लेफ्ट हैंड यूज करना फिलहाल डिफिकल्ट हो ही रहा है। ओके, सो नाउ आई विल गो इन विद माय फाउंडेशन। मैं दो फाउंडेशंस मिक्स कर रही हूँ। अब मैं डाम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूंगी। This is gonna take me forever to blend. Okay, my hand is tired. मुझे लगा नहीं था कि ये चैलेंज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, because I thought I would be able to control my makeup with my left hand as well, but ये makeup control करने से ज़्यादा हाथ आपका कितनी देर तक चल सकता है वो चैलेंज ज़्यादा लग रहा है मुझे, बिकॉज माई हैंड इज़ पेनिंग एंड इट हैज़ बीन आई गेस 5 मिनट्स ओनली एंड ऑलरेडी माई हैंड इज़ पेनिंग। आई डोंट नो वीडियो के एंड तक मेरा हाथ काम करेगा भी कि नहीं। लेट्स सी, इट इज़ वेरी टायरिंग। ऑल्दो आई एम एबल टू ब्लेंड माई फाउंडेशन प्रॉपरली विद द लेफ्ट हैंड ऑल्सो, ब्लेंडिंग में कुछ ज़्यादा वैसे काम है नहीं। सो मैंने ब्लेंडिंग के लिए डैबिंग मोशंस की जगह से ड्रैग ड्रैग करके अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया है, तो थोड़ा थोड़ा अनइवन हुआ है, तो आई विल डैब इट नाउ, क्योंकि अगर मैं डैब डैब करके ब्लेंड करती तो मेरे ख्याल से मुझे शाम हो जाती आज फाउंडेशन ब्लेंड करने में, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा थक गया है। आई सो वॉन्ट टू यूज़ माई राइट हैंड राइट नाउ। ओके, so this is the best we can get and I think it doesn't look that bad. Okay, now for the concealer I will be using the Fit Me. Now wo habit hai right hand use karne ki, to I am using the right hand only and then I remember okay no I have to do the challenge. So let's see, main puri video mein kahan kahan pe galti se apna right hand use kar leti hu. थोड़ा सा लाइटर शेड कंसीलर भी यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू ब्राइटन अप द अंडर आई एंड नाउ अगेन आई विल ब्लेंड द कंसीलर यूजिंग द डैम ब्यूटी ब्लेंडर।
आई फील बेस मेकअप उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा यूजिंग माई लेफ्ट हैंड ऑल्सो बिकॉज आई जस्ट हैव टू डैब अ ब्लेंडर एंड इट डजेंट मैटर विच हैंड आई एम यूजिंग बट आई लाइनर मस्कारा इज वॉट इज केयरिंग मी राइट नाउ बट लेट मी सी आई जस्ट सो वॉन्ट टू यूज माई राइट हैंड. नाउ बिफोर माई कंसीलर क्रीजेज मैं फटाफट अपना कॉम्पैक्ट से इसे सेट कर लूँगी. होल्डिंग द ब्रश फील सो वियर्ड. मुझे फिर से ऐसा लग रहा है मैं पहली बार मेकअप कर रही हूँ आज. इतना डिफिकल्ट लग रहा है मुझे. तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है बट स्टिल इट्स जस्ट दैट हैंड इज पेनिंग सो मच. ओके सो अब मैं अपना बेस बाद में कंप्लीट करूँगी. आई फर्स्ट डू माय आईज. ओके सो आई हैव टू मूड्स. पहले मैं सोच रही थी कि एकदम न्यूड आईज करूँ बट फिर आई थॉट नॉट टू प्ले वेरी सेफ. तो फिर मैं सोचने लगी कि वाई नॉट आई शुड डू अ कट क्रीज पे. मैंने सोचा कि नहीं इतना भी डेयरिंग नहीं होना है. वो कट क्रीज का प्लान ड्रॉप किया. मैं ब्लूइश पर्पल कम्प्लीटली ब्लूइश पर्पल लिड कर रही हूँ. मैंने अपनी पूरी लिड पे एक वॉयलेट कलर प्लेस किया है. द कलर लुक्स प्रिटी. यही मैं अपनी दूसरी आई पे भी करूँगी. अभी तक तो एवरीथिंग मैं जैसे ही बोलने वाली होती हूँ आई मेस अप. ओके अभी तक तो सब कुछ ठीक ही जा रहा है. नथिंग दैट इज़ गॉन टेरिबली रॉन्ग बट आई डोंट नो ये कितनी देर तक ऐसा ही रहेगा. लेट्स सी. तो मैंने अपने लिड पे वॉयलेट कलर प्लेस कर लिया है. नाउ यूजिंग अ ब्लेंडिंग ब्रश मैं एक ब्लूइश शेड लूँगी और अब मैं इसको इसकी मदद से ब्लेंड करूँगी गिविंग इट अ ट्रांजिशन और एटलीस्ट आई ट्राई टू. मुझसे ऐसे तो ब्रश ही नहीं पकड़ा जा रहा है. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट आई कैन गेट. मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा. आई मीन बुरा भी नहीं लग रहा है बट उतना अच्छा भी नहीं लग रहा. एक काम करती हूँ आई विल प्लेस अ पर्पल फ्रॉस्ट. आई थिंक दिस विल सेव द लुक. नाउ इट लुक्स बेटर. थोड़ा सा और ब्लेंड कर लेते हैं. वॉयलेट से शुरू किया था ब्लू पर्पल पे आके एंड हुआ. इससे बेहतर तो मुझसे नहीं हो पा रहा है. कलर ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. नाउ आई विल डू द सेम ऑन द अदर आई. आई एम रियली टायर्ड नाउ. आई थिंक ये अब ठीक लग रहा है. एक बार पूरा लुक कंप्लीट हो जाएगा तो बेहतर लगेगा. आई विल quickly place the same purple in my lower lash line as well. लिट से ज़्यादा कलर मेरी आँख में चला गया है. ओके अब आई विल ऑल्सो अटेम्प्ट अ विंग लाइनर बिकॉज वाई नॉट राइट. आई डोंट नो इफ आई एक्चुअली वॉन्ट टू डू दिस. ओके आई विल एटलीस्ट ट्राई इट. नो गॉड. बहुत ज़्यादा थिक हो गया है. गॉड अब मुझे लग रहा है मुझे पेन लाइनर लेना चाहिए था. ओके आई हैव मेस्ड इट अप. आई हैव मेस्ड इट बैडली. लाइक एनी वेज मेरे से राइट हैंड से भी विंग लाइनर बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं लगता. लेफ्ट हैंड से इतना हो गया बहुत है. इट इज़ लुकिंग बैड रियली बैड बट इट इज़ वॉट इट इज़. हाउ एम आई सपोज टू डू इट ऑन दिस आई. ओके नाउ अगेन गेट रेडी
टू सी मी मेक अ क्लाउन आउट ऑफ माई सेल्फ। दिस इज टफ मैन। ओके आई लुक वेरी बैड नाउ। आई हेट दिस आई लाइनर, लाइक दिस इज द वर्स्ट आई लाइनर इन इवन। जब मैं छोटी थी मैं इससे अच्छा लाइनर लगा लेती थी। एंड नाउ आई डोंट थिंक एनी थिंग कैन फिक्स दिस लुक। मुझे लाइनर लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, अब मुझे ऐसा लग रहा है। मैं अपनी वाटर लाइन पे काजल लगाऊंगी। अगेन आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग दिस टू माई सेल्फ। काजल तो अच्छे से लग गया शायद। दिस इज द वन थिंग दैट आई डिड परफेक्टली, नॉट द वन, आई थिंक द बेस ऑल्सो आई डिड प्रॉपरली। बस ये आई लाइनर ने ही सब खराब कर दिया। ये हो गया, अब मैं अपनी ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट भी कर लेती हूँ। इतना अच्छा ग्लैम आई लुक हुआ है तो क्यों ही हाईलाइटर छोड़े हम, राइट? या सो हाईलाइटिंग भी हो गई है। ये क्या गिर गया? ठीक है, अब इसके बाद आई विल कॉन्ट्रोल ब्लश एंड हाईलाइट माई फेस। राइट साइड पे करना ज़्यादा मुश्किल है, लेफ्ट साइड पे तो फिर भी हो जा रहा है। I'll just do whatever I am able to. Now I will also contour my nose. Blush. अब मेरा बेस भी हो गया है, आईज भी हो गई है। अब मैं अपने आईब्राउज करूंगी। नाउ अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे इसमें ज़्यादा मुश्किल होगी, बिकॉज आई हैव नेचुरली बुशी आईब्राउज। तो मैं बस छोटा छोटा सा जो गैप्स हैं उनको फिल करूँगी। दैट इज इट। आईब्राउज भी हो गई है। Now what am I left with? Yeah, highlighter. Okay. Now I think everything is done apart from my lipstick. Amazing. I think lipstick मैंने बहुत अच्छे से लगाई है। What do you guys think? Lipstick बहुत perfectly लगी है। अब left hand ही use करूँ lipstick लगाने के लिए। Okay, so base हो गया, eyes हो गई, everything is done, mascara. Okay, mascara. This is also done. So मेरा पूरा look complete है, जो कि बहुत ही बेकार लग रहा है, but I'll just fix it. One thing that just ruined my look was the eyeliner. I think अगर मैंने eyeliner नहीं लगाया होता तो this look turned out pretty decent. Let me know what do you think about this look in the comments down below. And also अगर आप चाहते हैं मैं कोई और challenge video या any video for that matter, तो आप please मुझे comment box में बताएं. And other than that, there is a humble request from my side. आप मेरी videos देखते हैं, अगर आपको मेरी videos पसंद आती हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इट कीप्स मी गोइंग, इट कीप्स मी मोटिवेटेड कि मैं और वीडियोस बनाऊं एंड आई पुट आउट कंटेंट फॉर यू गाइस। इफ़ यू वांट मी टू इम्प्रूव ऑन एनी पॉइंट, एनी सजेशंस, एवरीथिंग इज
wholeheartedly welcome. You must put it in the comments box below. I promise to take care of each and every point mentioned by you all. So please guys, subscribe to my channel down below and hit the notification bell right next to it so that every time I upload a video, you get notified. I will see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye.